मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ उसका 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 जो सेंटीमेंट है ना वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है। दारू पीकर शो करने के आरोप में पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके टीवी एंकर दीपक चौरसिया आखिरकार सामने आ ही गए। न्यूज नेशन चैनल पर लाइव शो में लड़खड़ाती जबान में उल्टी सीधी बातें बोलकर अपनी जग हसाई करवाने वाले दीपक चौरसिया ने अपनी सफाई में जो कहा उसे सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे। चौरसिया ने दावा किया कि दरअसल उस दिन उन्होंने दारू नहीं पी थी बल्कि दवा ली थी। जी हाँ, दवा दारू की इस लड़ाई में उन्होंने दारू नहीं दवा लेने की बात कही है। अपनी फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, पिछले 3 दिन से आप लोगों ने जो मेरी चिंता की उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ बातें साफ कर देनी चाहिए। आप सभी को वीडियो देखकर जो लग रहा है वो पूरा सच नहीं है। सच ये है कि मेरे घर में शादी थी और बारात में ज्यादा डांस करने के कारण मेरे घुटने की पुरानी चोट दर्द देने लगी। शो चूंकि इस मसले पर था उसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था। शो पूरी तरह से ठीक जाए इसलिए मैंने पेन किलर खा ली। आपको बता दूं कि मेरे घुटने में हेयरलाइन फ्रैक्चर है। मेरी गलती ये थी कि पेन किलर ज्यादा मात्रा में लेने से साइड इफेक्ट होता है, ये बात मुझे नहीं पता थी, इसलिए पेन किलर खाकर मेरी तकलीफ कम होने के बजाय बढ़ गई। वीडियो देखकर तरह तरह की बातें बनाई गई जो सच नहीं है। मुझे पत्रकारिता में 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं इसलिए मुझे किसी से पत्रकारिता के एथिक्स सीखने की जरूरत नहीं है। मैं अपने चाहने वालों से दिल से माफी चाहता हूँ। साथ ही पिछले 3 दिनों से देश के कोने कोने से मेरी चिंता जताने वाले शुभ चिंतकों का आभारी हूँ। आप लोगों का प्यार और सहयोग इसी तरह आगे भी मिलता रहे इसी उम्मीद के साथ। क्या देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। तो सुना अपने, दीपक चौरसिया ने साफ साफ कह दिया कि उन्होंने दारू नहीं बल्कि दवा ली थी। दरअसल जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद दीपक चौरसिया ने न्यूज नेशन चैनल पर लाइव शो किया था जिसमें उन्होंने जनरल को जर्नलिस्ट और विपिन रावत को वीपी सिंह तक कह दिया था। इस वीडियो को न्यूज नेशन ने अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं किया था लेकिन जनता अब सयानी हो चुकी है। डिजिटल इंडिया के दौर में कुछ लोग दीपक का ये लहराता हुआ वीडियो खोज लाए और फिर शुरू हुई जबरदस्त खिंचाई। जिसको पता था ऑपरेशन डिटेल्स में कैसे एग्जीक्यूट करना हो, ऐसा जनरल जिसको ये भी पता था कि हमारे दुश्मन कौन कौन है, तो जब जनरल विपिन रावत की बात होती है तो मेरे दिमाग में यही 3-4 चीजें आती हैं। मेरा कई बार उनसे इंडक्शन हुआ, आखिरी बार में उनसे 15 अगस्त में राष्ट्रपति भवन में मिला था और मैं आपसे कह नहीं सकता कि मैं उनकी जो आखिरी मुलाकात है उसको कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर जेके राय जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में मेरे साथ मेजर जनरल जीटी द्विवेदी जुड़ने वाले हैं। हम सब श्रद्धांजलि देना उनको चाहेंगे, हम सब श्रद्धांजलि उनको देना चाहेंगे, हम उनको हाथ से नमन करना चाहेंगे। उन्होंने जो देश के लिए किया वो मैं कह नहीं सकता, मैं अब कह नहीं सकता अपने दर्शकों को उन्होंने जो देश के लिए किया वो क्या किया समझ नहीं पाएंगे लोग। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई, जो गलवान में हुआ, उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे, वो जानते थे। कुछ मीडिया संस्थानों ने ये भी खबर छापी कि दरअसल उस दिन दीपक चौरसिया अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश में किसी की शादी में जमकर नाच रहे थे और इस दौरान उन्होंने खूब दारू भी पी थी। उन्होंने शराब के नशे में ही शो किया और फिर ये अर्थ का नर्थ हो गया। उनके चैनल के कई लोगों ने इस बात की गवाही भी दी लेकिन दीपक चौरसिया अब कह रहे हैं कि दवा का साइड इफेक्ट हो गया था। एमपी की तरह अपने दीपक चौरसिया भी गजब हैं। दारू गायब दवा हाजिर। आपको क्या लगता है, क्या दीपक चौरसिया ने सच में दवा ली थी जिसका साइड इफेक्ट हो गया?
या फिर अपने चौरसिया जी दो घुट पिला दे साजना पर नागिन डांस करते हुए स्टूडियो तक पहुंच गए थे। अपनी राय कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज वीक। मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमने एक ऐसा जनरल खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था, जो बहुत ज्यादा सोचता था, एक ऐसा जनरल था जो जिसको पता था ऑपरेशनल डिटेल्स में कैसे एग्जीक्यूट करना हो।